के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें, आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। राजद विधायकों की बैठक हुई खत्म, सारे फैसले लेने को लालू को किया गया अधिकृत। चिराग पासवान का विद्रोह, 23 सीटों पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बिहार में मचे सियासी हलचल के बीच बीजेपी का बड़ा फैसला, विनोद तावड़े को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। बिहार कांग्रेस विधायक में टूट की आशंका, पार्टी ने भूपेश बघेल को भेजा बिहार। आज शाम हम पार्टी के विधायकों की होगी बैठक, कल शाम को होगा सीएम नीतीश का इस्तीफा। तेजस्वी ने माझी को दिया बड़ा ऑफर, अचानक मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी। बिहार की सियासी हलचल पर वीआईपी की नजर, मुकेश सहनी ने कहा सही समय पर लेंगे बड़ा फैसला। बिहार में सियासी हलचल के बीच तेजस्वी ने कह दी बड़ी बात, आसानी से नहीं होने देंगे तख्ता पलट। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बिहार के बाद दिल्ली में भी की जा रही तख्ता पलट की तैयारी। पप्पू यादव का सीएम नीतीश पर बड़ा तंज, याद दिलाई कर्पूरी की बात। अब खबरें विस्तार में। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच राजद विधायक दल की बैठक अब खत्म हो गई है। तेजस्वी यादव के आवास पर लगभग 2.5 घंटे तक यह बैठक चली। बैठक के बाद पार्टी ने कहा कि आगे के सारे फैसले लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया गया है। मनोज झा ने कहा कि राजद विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार के एनडीए में जाने पर भी चर्चा हुई है। पार्टी के विधायकों से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। राजद ने तय किया है कि वह भी इंतजार करेगा। इस बैठक में यह भी तय हुआ है कि लालू जी को जो फैसला लेना होगा उसके अनुसार सारे लोग काम करेंगे। बिहार में सियासी घमासान जारी है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की है। वहीं अंदर की खबरों की माने तो नीतीश कुमार के एनडीए में आने से चिराग पासवान अब विद्रोह के मूड में नजर आ रहे हैं और अंदर की सूत्रों की माने तो वह चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में वह 23 सीटों पर चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर पार्टी रणनीति के साथ साथ संगठन को भी मजबूत करने में जुट गई है। भाजपा की तरफ से बिहार के पल पल जारी सियासी उथल पुथल के बीच चुनाव प्रभारी का लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। इस लिस्ट के मुताबिक विनोद तावड़े को बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही दीपक प्रकाश को भी लोकसभा चुनाव का प्रभारी बना दिया गया है। बिहार में बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच कांग्रेस में बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है। कई विधायकों के संपर्क से दूर होने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बिहार पहुंचने और कैंप करने को कह दिया है। पार्टी के लगभग 10 विधायक अभी भी नेतृत्व से जो संपर्क है उससे बाहर है। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस में टूट की आशंका गहराती जा रही है। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पार्टी के सभी विधायकों को फोन करके पूर्णिया बुलाया था। पूर्णिया में कांग्रेस विधायक दलों की बैठक भी होनी थी लेकिन काफी कम संख्या में विधायक वहां पहुंचे। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान की चिंता बढ़ गई। भूपेश बघेल को बिहार भेज दिया गया। बिहार में अभी भी सियासी सस्पेंस खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिहार में नीतीश कुमार और राजद के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। अब एनडीए का सरकार कल बनना लगभग तय हो गया है। इससे पहले बिहार के सियासी उथल पुथल के बीच हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने आज शाम 7 बजे पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई। यह बैठक 12 स्टैंड रोड में हुई। ऐसे में कई सारे बड़े फैसले लेने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पटना में बिहार बीजेपी और लालू की पार्टी राजद की अहम बैठक हुई है। इस बैठक से पहले राजद की तरफ से माझी को बड़ा ऑफर दिया गया। राजद की तरफ से माझी को सीएम बनाने का ऑफर दिया गया है। इसके बाद सम्राट चौधरी भागे भागे माझी से मिलने पहुंच गए। दरअसल इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे और इतनी आसानी से दोबारा नीतीश की ताजपोशी नहीं होगी। अगर जरूरत होगी तो दलित को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे में अब कुछ बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार में चल रही राजनीतिक हलचल को लेकर कहा कि हम लोगों की नजर बिहार के राजनीतिक हलचल पर है और जो भी बिहार के हित में फैसला होगा वह सही समय पर ले लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है, ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल है। बिहार की सियासी हलचल के बीच बड़ी खबर राजद खेमे से आ रही है, जहां तेजस्वी यादव ने एक बात कही कि आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे
और इतनी आसानी से दोबारा ताजपोशी नहीं होने देंगे। इन सबके बीच राष्ट्रीय जनता दल ने सियासी संकट से निपटने के लिए आज 1 बजे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 5 सर्कुलर रोड पर विधायक दल की बैठक बुलाई थी। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। पप्पू यादव ने शायराना अंदाज में लिखा कि किरदार बड़ा होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर 225 साल, सेठ ससुरी 425 साल पद पर रहे, पर कद कितना बड़ा है, विरोधी भी श्रद्धा से झुक जाते हैं। नीतीश सिद्धांत ईमान बेच दो, दशक पद पर रहकर क्या पाया, किरदार बेच जिल्लत पाया, अपने नाम को एक नया गाली बनाया। इसके आगे पप्पू यादव ने लिखा कि दुर्भाग्य, इतनी लंबी राजनीति, इतना ऊंचा पद, आखिरकार अंत में सब कहेंगे बिहार का कलंक। पप्पू यादव ने इन लाइनों से साफ कर दिया है कि वह सीधा सीधा नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जिस कर्पूरी ठाकुर की बात किया करते हैं, उनका कद काफी बड़ा था और नीतीश कुमार का कद उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।